आज की जो चर्चा हो रही है और आज जो नई टीम बनी और जो मैं विचार रखने वाला हूँ, कुछ आपके अंदर एक नई भावना पैदा करेंगे, एक नया विचार पैदा करेंगे। इनको संभाल के रखते हुए जीवन में कैसे लागू करना है, ये थोड़ा सा व्यक्तिगत मामला। मित्रों, जो हम यात्रा तय करेंगे, बड़ी मजेदार यात्रा है। मैं पुस्तक से कुछ कविताएं भी पढ़ूंगा, जीवन के अनुभवों से बात करूंगा, पिछले 28 साल में जो इकट्ठा किया है उससे बात करूंगा। मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग में काम करता हूँ और मैं अक्सर लाइव सेमिनार में कहता हूँ, भाई साहब आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो पीछे देखो, मैं कहता हूँ आपकी बात कर रहा हूँ, तो खड़े कहते हैं आज ही बाल कटवाए हैं। समझ में नहीं आ रहा, आपको कोई व्यक्ति प्रशंसा कर रहा है, आपको खड़े को क्या कहना, धन्यवाद, सही है गलत? ये आपको ये कहना है, अगर आप थोड़ा सा और ज्यादा बोलना चाहे, अच्छा वो आपकी आंखें ठीक हो गई, मैं तो पहले से अच्छा था, आप थोड़ा कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई प्रशंसा आपकी कर रहा है और आपको यकीन नहीं है कि मैं प्रशंसा के लायक हूं, तो आत्मविश्वास कभी नहीं आ सकता है। शब्द ही बड़ा विचित्र है, आत्मविश्वास। लोग मुझसे पूछते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे पाया जाए, मैंने कहा गलत पूछ रहे हो, ये बोलो सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिस्कवर कैसे किया जाए। सेल्फ कॉन्फिडेंस पड़ा हुआ है, वो कवर्ड है, उसको डिस्कवर करना। अंग्रेजी क्या, ये डिस्कवर वर्ड बड़ा प्यारा है, ये कवर्ड है, इसको क्या करना है। माइकल एंजेलो दुनिया की बहुत खूबसूरत मूर्तियां बनाते हैं, माइकल एंजेलो स्कल्प्टर, उनसे पूछा गया तुम बेजान पत्थरों से इतनी खूबसूरत मूर्ति कैसे बनाते हो, माइकल एंजेलो कहता है पत्थर में मूर्ति मौजूद है, मैं बेजान हिस्सों को निकाल देता हूं, मूर्ति बाहर आ जाता हूं। सीधा मैं अपने पहली कविता में उतरता हूं, अगर आप रेडी हैं तो एक बार मेरे कहने पे मैं वही सपने देखता हूं जिन्हें खुद पूरा कर सकूं, उतनी इच्छाएं रखता हूं जिन्हें अपने दम पे भर सकूं। एक नंबर 38 पर है नीचे वाली कविता, मैं वही सपने देखता हूं जिन्हें खुद पूरा कर सकूं, उतनी इच्छाएं रखता हूं जिन्हें अपने दम पे भर सकूं। ये जहां सबूत मांगता है, तुम्हारी बातों का प्रूफ मांगता है, खाली खोपलों से भीड़ भी नजरें बचाती है और भरे हुए समंदर के पास नदी तक जाती है। अगर आपकी जेब खाली है तो आप महान हैं, मगर अगर आपके विचार खाली हैं तब आप महान नहीं हैं। अगर आपके पास कोई कंटेंट नहीं है, और याद रखिए मित्र, दो तरह के रिश्ते होते हैं, इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड। इनर वर्ल्ड वो है आपके दोस्त यार, जिससे आप अपनी सारी चर्चाएं कर सकते हैं, सब कुछ। और दोस्त की बेहतरीन परिभाषा ये है, दोस्त वो व्यक्ति है जो आपके बारे में सब कुछ जानता है फिर भी आपको प्यार करता है। वो एनालिसिस नहीं करता ना पैरालिसिस करता, वो कहता है तू जैसा है स्वीकार है। और मार्केट में दोस्ती नहीं होती है, मार्केट में व्यापार होता है, वहां दोस्ती मत कीजिएगा वरना लूट जाइएगा। जो घर वाली बात है वो मार्केट में मत बताइएगा, मार्केट केवल व्यापार के लिए बना हुआ है, वहां पे दिमाग का इस्तेमाल करना है। मैं वही सपने देखता हूँ जिन्हें खुद पूरा कर सकूं, उतनी ही इच्छाएं रखता हूँ जिन्हें अपने दम पे भर सकूं। ये जहान सबूत मांगता है, आपकी बातों का प्रूफ मांगता है, खाली खोपलों से भीड़ भी नजरें बचाती है और भरे हुए समुद्र के पास नदी तक जाती है। आपके भीतर क्या है लोग उसे बाद में जानेंगे, पहले आपके हुलिये से आपको पहचानेंगे। मैं बहुत सारे बिजनेस ओनर का पर्सनल कोच हूं, कंसल्टेंट हूं, मुझसे कहते हैं मेरी सेल्स टीम व्यापार नहीं ला पा रही है। मैंने कहा मुझे माफ करें, आपकी सेल्स टीम के दर्शन मैंने कर लिए हैं, प्रोडक्ट आपका कितना भी बढ़िया हो, पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव नहीं है तो व्यापार नहीं आने वाला है। रिस्पॉन्स कीजिए, आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व, उसमें आकर्षण अगर नहीं है काम नहीं होने वाला है। किसी एक विचारक ने कहा सफलता उसी व्यक्ति की तरफ आकर्षित होती है जो खुद को आकर्षित बनाते हैं। उससे पहले हमने सीखा था सफलता की तरफ आकर्षित होना है, ये उल्टा कह रहा है, ये कह रहा है सक्सेस इज व्हाट यू अट्रैक्ट बाय बिकमिंग एन अट्रैक्टिव पर्सन। ये गणेश बैठा हुआ है इनर सर्कल में, ग्वालियर की दुकान है, कनॉट प्लेस में मुझे ले जाया करता था, 1850 रुपये मेरी तनख्वाह होगी, कहता इस महीने तेरी तनख्वाह घर नहीं जाएगी, बढ़िया ड्रेस। उसके पहले मैं पीली पतलून पहनता था, लाल शर्ट पहनता था, इससे मेरी ड्रेस बदली,
इसीलिए इसको बुलाया, अरे आज तेरा दिन है, मेरा दिन नहीं है, यही तो मौका है तेरे ऊपर प्यार दिखाने का। खाली खोपड़ों से भीड़ भी नजरे बचाती है, भरे हुए समुद्र के पास नदी तक जाती है। आपके भीतर क्या है लोग बाद में जानेंगे, पहले आपके खुलिए से आपको पहचानेंगे। रोने और चिल्लाने से लोग दया तो दिखाते हैं, पर दूर आप नजर आ जाएं तो दूसरे फुटपाथ पे चले जाते हैं। बस एक निवेदन है भाई के रूप में, मुझे भाई समझ लीजिए अपना, आज के बाद किस व्यक्ति से किस विषय पे बात करनी है बस ये क्लियर हो जाए, आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी आप। और अगर आप जीवन में एक बार एक कविता आएगी जब मैं आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में चर्चा करूंगा, क्यों आएगी कविता आगे आएगी। रोने और चिल्लाने से लोग दया को दिखाते हैं, पर दूर आप नजर आए तो दूसरे फुटपाथ पे चले जाते हैं। खाली खोपड़ों से भीड़ भी नजरें बचाती है, भरे हुए समुद्र के पास नदी तक जाती है। इसलिए उठो जागो और शेर बनो जो जंगल में अकेला चलता है और हिरणों के झुंड में जाके शिकार को पकड़ता है।